अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कासिम आटो। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, कल्टस गाड़ी है, ओल्ड मॉडल। इसका हम इंजन अल्टर कर रहे हैं। इसमें विट्स का इंजन 1000 cc अल्टर कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, इसमें इंजन हमने रख दिया है। कल्टस गाड़ी है, पुरानी शेप वाली। इसमें हम इंजन विट्स का इंजन अल्टर कर रहे हैं। ये आज हमने इसका इंजन बैलेंस कर दिया। पहले हम इसके एक्सल की फिटिंग बनाएंगे, इसका बैलेंस सेट करेंगे। ये देख रहे हैं, हम नीचे पैकिंग लगाई हुई है ताकि इंजन इसका बैलेंस रहे। और उसके बाद फिर हम इसके फाउंडेशन बनाएंगे। कोशिश हमारी यही है इसके जेन्युइन फ्रेमों पे ही फाउंडेशन बने, ताकि गाड़ी की ओरिजिनल लुक वैसी की वैसी रहे। कटिंग करने से ये हो जाता है, फिर गाड़ी ओरिजिनल लुक उसकी ख़त्म हो जाती है। कल को आपको इंजन दोबारा चेंज करना भी पड़े तो आप अपनी पुरानी फिटिंग में इंजन रख सकते हैं। ये देख रहे हैं, इसकी अपनी ही फिटिंग में हम इसकी फिटिंग बना रहे हैं। और इसका पुराना इंजन, ये इसका पुराना इंजन है। जो इसका ओरिजिनल इंजन है, ये इसकी फाउंडेशन की तैयारी का अमल शुरू हो गया है। ये ब्रैकेट बना रहे हैं हम फाउंडेशन, ये देखें। ये इसका फाउंडेशन की तैयारी हो रही है। ये लोहे की चादरों के साथ इसका फाउंडेशन बना रहे हैं हम लोग। बाद में इसकी फिनिशिंग करेंगे, सेट करने के बाद इसको पेंटशन करेंगे, इसकी फिनिशिंग करेंगे। ये तकरीबन इसका एक फाउंडेशन तैयार है 50%। ये अब हम गियर का फाउंडेशन बना रहे हैं, इसके ब्रैकेट वगैरह बन रहे हैं। तो कोशिश हमारी ये भी है कि जिस तरह राइट साइड का फ्रेम बचाया ना, इसी तरह लेफ्ट का भी फ्रेम बचाएं। हम ओरिजिनल फिटिंग पे इसका सारा इसको तैयार करें। ये गियर का फाउंडेशन भी तकरीबन तैयार है, अब इसकी फिनिशिंग करेंगे। इसको अब हम फिनिशिंग करने के बाद इसको पेंट करेंगे। फ्रेम ये भी हमने बचा ली है। जेन्युइन फ्रेमों पे ज़रा खूबसूरती ज़रा ज़्यादा आती है फिटिंग की, और गाड़ी की लुक भी कायम रहती है। देखें, इसमें अभी एक ब्रैकेट और बनेगा, उसके बाद ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इंजन का लेवल परफेक्ट, बेहतरीन लेवल हो गया इंजन का। दो माउंटिंग बन गए और सुबह इंशाल्लाह इसका तीसरा माउंटिंग भी बन जाएगा। फिर इन सब को उतार के तो फिर इनको प्रॉपर फिनिशिंग करेंगे।